हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टेजन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 की। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तरफ से कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की लिए जो एक नोटिस जारी की गई, उसी नोटिस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले। क्या क्या उस नोटिस में आपको दिए गए हैं, कितने पोस्ट दिए गए, तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पोस्ट की बात कर रहे थे, सबसे पहले यहाँ पे 5,846 पोस्ट टोटल निकाली गई, मेल और फीमेल कैंडिडेट को मिला करके यहाँ पे आपको दिया गया 5,846। 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कब से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, एज की क्राइटेरिया क्या रखी गई, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसकी शॉर्ट नोटिस है जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई। यहाँ पे आपको लिखा गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2020, जो कि कंडक्ट कराया जाएगा आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है। जैसे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आती है आप लोगों को, वो भी मिल जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि इस साल के एंड में यानी कि 31/12/2020 तक कितनी वैकेंसीज इनके विभाग में खाली होगी, उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैकेंसीज निकाली गई है, आप देख सकते हो नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है नंबर 1 में कांस्टेबल मेल ओपन के लिए जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे कि यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससीएसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी गई। तो टोटल वैकेंसी जो है वो यहाँ पे 3433 दी गई है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 की। तो पॉइंट 2 में आप देख सकते हो कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन और अदर के लिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 226 निकाली गई। कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए जो वैकेंसी है वो 243 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3902 रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेबल फीमेल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कांस्टेबल फीमेल के लिए जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो है वो 1944 वैकेंसी निकाली गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है मेल प्लस फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 5,846 वैकेंसी निकाली गई। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे वैकेंसी चेक कर सकते हो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे एक नोटिस जारी की गई जिसमें कि आपको बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है। तो अभी इसकी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं जारी की गई, जैसे ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी वैसे ही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर एग्ज़ाम पैटर्न तक दिया रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इस पर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो रखी जाएगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि आप लोगों को पता है कॉन्स्टेबल के लिए 12th पास आप लोगों से मांगा जाता है। तो कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने 12th पास किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें एज लिमिट की। तो यहाँ पे जो एज लिमिट आपकी रखी जाती है वो 18 से 25 साल तक आपकी एज लिमिट रखी जाती है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। तो जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आएगी सारी जानकारी आपको प्रॉपर उस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसा कि पता है कॉन्स्टेबल के लिए 12th पास आपसे मांगा जाता है और एज की क्राइटेरिया जो है वो 18 से 25 साल तक रहती है। उसके बाद यहाँ पर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इसमें रहता है CVT एग्ज़ाम बेस्ड। जैसे ही आपका यहाँ पे CVT एग्जाम होता है उसके बाद यहाँ पे आपका फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होता है। तो ये इसके बेस्ड यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। CVT आपका जो है वो 100 मार्क्स का रहता है और आपका फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। तो CVT और फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के ऊपर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बेस्ड रहता है इसमें। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अब बात करते हैं कब से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो अप्लाई करने के लिए 25 जुलाई तक इसका जो डेट है वो आ जाएगा। अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा 25 जुलाई तक। तो 25 जुलाई तक आप लोगों को वेट करना है, तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यही सब जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जो लोग भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएँ तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।